गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यू हैव स्टडीड अबाउट एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन स्टैंडर्ड 6। सो व्हाट इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables connected by four mathematical operations: plus, minus, multiplication, division. Algebraic expression क्या है? एक ऐसा expression है जिसमें constants भी हैं, variables भी हैं, and constants and variables connect होते हैं in four fundamental जो mathematical operations हैं इनकी help से। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 3, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस। सो दिस इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यू नो अबाउट कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स? कॉन्स्टेंट इज अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज एंड रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, इट इज इक्वल्स टू 30, फिक्स है, सो दिस इज कॉन्स्टेंट। एंड टेम्परेचर ऑफ अ डे, यू नो टेम्परेचर डज नॉट रिमेन सेम, वो सेम नहीं रहता, सो इट इज वेरिएबल क्वांटिटी। एंड वी रिप्रेजेंट वेरिएबल्स बाय स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स। हेयर एक्स एंड वाई आर variables, 2, 3 are constants. Now next term is terms of algebraic expression. Terms kya hai? Terms are parts separated by plus and minus. Yani ki algebraic expression ke jo parts hain, jo plus and minus sign ke saath separate hote hain, un parts ko kya kehte hain? Terms. For example, in this question 2x is one of the term, 3y is one of the term, minus 3 is also term of this algebraic expression. So in total this expression has 3 terms. Now on the basis of number of terms there are types of algebraic expressions. First is monomial. So monomial kya hai? An expression having only one term. For example, 2x. This is only one term, so this is monomial. Or 3y square. This is also monomial. Now, binomial having two terms. For example, 3x plus 4y. There are two terms, so this is binomial. Trinomial having three terms. For example, 4x plus 3y plus 2z. And you already know how to add and subtract different types of algebraic expressions, and you have done this in standard 6. So now we will learn multiplication of algebraic expressions, means how we can multiply two expressions. So first is multiplication of monomials. For example, here we are given with two monomials. First is 9x to the power 3 and second is 2x to the power 4, and we have to multiply these two monomials. So the method is, first of all we multiply the constants, 9 multiply 2, then we multiply the variables, x cube multiply by x to the power 4, it is equals to 9 to the 18 multiply by, now x 3 times, then multiply by x 4 times, total is x 7 times, so it is equals to x to the power 7, or you can use
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स डन इन चैप्टर नंबर 4. सी बेस इज सेम इट इज एक्स सो जस्ट एड द एक्सपोनेंट्स 3 एंड 4 इज 7. नाउ 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 7 इज नथिंग बट 18 एक्स द पावर 7. बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल वी ओमिट द मल्टीप्लीकेशन साइन. सो 18 एक्स टू द पावर 7 इज फाइनल आंसर. नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट. पार्ट सेकंड इज -6a² मल्टीप्लाई बाय 5a टू द पावर 7. इट इज इक्वल्स टू -6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 7. -6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -30 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 9. इट इज इक्वल्स टू -30a टू द पावर 9 इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स. पार्ट 1 इज 7pq एंड 4/3p² q³. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 7 बाय 4/3 देन मल्टीप्लाई द वेरिएबल p देन मल्टीप्लाई द वेरिएबल q इट इज इक्वल्स टू 7/4 = 28/3 p³ q⁴. सो 28/3 p³ q⁴ इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स. हियर वी आर गिवन विद 3 मोनोमियल्स एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज. सो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 7 x² एंड x³. इट इज इक्वल्स टू 4 × 3 = 12 12 × 5 = 60 सो -60. नाउ x टू द पावर 7 एंड 2 9 9 एंड 3 12. सो फाइनल आंसर इज -60x⁻¹². नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हूज साइड्स आर 2a एंड 3a. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हूज साइड्स आर गिवन एज 2a एंड 3a. सो यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Is equals to length multiply breadth. Here length is 3a multiply by breadth is 2a. It is equals to 3 × 2 = 6. A multiply by a is a². So area of rectangle is 6a² square units. Similarly, you can solve all the questions of worksheet 1. Thank you and have a good day.